रॉयल इनफील्ड ने फाइनली रिवील कर दिया है सुपर मेटियोर 650 को आइकमा 2022 में। काफ़ी टाइम से रॉयल इनफील्ड इस बाइक को टेस्ट कर रहा था एंड काफ़ी सारे टेस्टिंग शॉट्स भी हमें देखने के लिए मिले हैं। फाइनली आप इस बाइक को इसके रियल अवतार में देख सकते हो। सिंस मेटियोर 350 का बड़ा भाई है तो लुक्स ओवरऑल आपको मेटियोर 350 जैसे ही देखने के लिए मिलेंगे, बट ऑब्वियसली सुपर मेटियोर 650 साइज़ में काफ़ी बड़ी लगेगी। इसमें भी आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे एंड काफ़ी सारे मॉडर्न फीचर्स जैसे LED हेडलाइट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। जहां आपको मेटियोर 350 में 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, सुपर मेटियोर 650 में आपको वहीं 2 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। इन वेरिएंट्स में कलर एंड फीचर्स का फर्क होगा। जैसे मेटियोर 350 में आपको देखने के लिए मिलता है टॉप वेरिएंट में आपको विंडशील्ड और पिलियन बैकरेस्ट जैसे एडऑन्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन की। रॉयल इनफील्ड सुपर मेटियोर 650 में आपको वही सेम 648 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलेगा जो आप इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 में देखते हुए आ रहे हैं। मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करेगा 47 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 52 Nm का। मेटियोर 650 में आपको मिलता है 15.7 लीटर्स का फ्यूल टैंक, तो आपको बार बार फ्यूल फिलिंग के लिए रुकना नहीं पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टूर पर जाते हो। एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी मुझे लगी है मेटियोर 650 में वो है इसका एग्जॉस्ट पाइप्स। इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 में एग्जॉस्ट पाइप जो है वो काफ़ी बाहर को निकले हुए होते हैं, जिससे सिटी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है चलाने में डे टू डे ट्रैफिक में। बट मेटियोर 650 में एग्जॉस्ट पाइप ज़्यादा बाहर नहीं निकले हुए हैं और ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। रॉयल इनफील्ड मेटियोर 650 में आपको सीट हाइट मिलेगी 740 mm की। इसके हैंडल बार्स को काफ़ी रेज किया गया है और फुटपैक्स को काफ़ी आगे सेट किया गया। इन तीनों चीज़ों को अगर आप मिलाओगे तो काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन देखने के लिए मिलता है आपको इस बाइक में। तो हाईवे में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको रॉयल इनफील्ड मेटियोर 650 चलाने में, बट सिटी में उतना ही दिक्कत होने वाली है क्योंकि बाइक का वेट है अराउंड 241 kgs का, जो मेटियोर 350 से अराउंड 50 kg ज़्यादा है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इस बाइक को मैन्यूवर करने में थोड़ा इशू आपको बिल्कुल होगा। एक और चीज़ जो मेटियोर 650 में आपको परेशान कर सकती है वो है इसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें आपको मिलती है अराउंड 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो काफ़ी कम है। तो बड़े ब्रेकर्स अगर आपको सिटी में मिलेंगे तो ये बाइक नीचे टच हो सकती है। रॉयल इनफील्ड मेटियोर 650 में आपको मिलेगा डुअल चैनल ABS एंड फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको देखने के लिए मिलेगा 300 mm का डिस्क ब्रेक। अगर इस बाइक का वेट और इसका साइज़ देखा जाए तो मुझे लगता है रॉयल इनफील्ड को इसमें फ्रंट में डुअल डिस्क देने चाहिए थे। खैर, आपको डुअल चैनल ABS मिलता तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर होगी। बात करें अगर इसकी प्राइस की तो रॉयल इनफील्ड सुपर मेटियोर 650 का प्राइस आपको इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 के प्राइस से ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। इसका एक शोरूम प्राइस मिलेगा आपको अराउंड 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में। तो इतना ही था आज की वीडियो में। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि क्या आप भी इस बाइक का वेट कर रहे थे या नहीं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड